और इस पुल के तासुरात ये है कि जब आप इस पुल पर आप जब एक जगह जब आप नजर टकाओ के देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये पुल चल रहे हैं, जबकि चल रहे हैं, चक्कर आते हैं पुल पे। इस पे ये देखें, इस पुल पे अगर यहाँ से खड़े होकर देखें ना तो पानी की स्पीड इतनी ज्यादा है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। पार्ट नंबर 3, आज हम जा रहे हैं जी हुपर वैली, हुपर वाटरफॉल्स, ट्री हाउसेज हैं वहाँ पे, और बूबर की कुछ मुकामात ऐसे हैं, जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हमने जा के उनको एक्सप्लोर करना है। जगह कौन सी है? ये गाकुच है, ये तो सामने जगह ये हाथों ने इसको ना सारी दरिया की तरफ इस्तेमाल के लिए, हाँ ये वाली जगह, ये तबलीग जमात वालों के लिए ना इज्तिमा में सलाना वो यहाँ पर। ये जो सामने जगह है जी, ये इज्तिमा के लिए खरीद ली गई है, और ये सामने जितना भी एरिया ना दरिया के सामने वाली जगह जी, तो इंशाल्लाह गिलगित का जो इज्तिमा होगा या गेजर 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 का जो इज्तिमा होगा तबलीगी जमात का, वो इधर सामने होगा। ये सारा एरिया जो ये व्यू दिखाएं नोहल भाई, ये सारा एरिया का, ये सब दरिया भी है और चश्मे के पानी भी है, दरिया भी है चश्मे के पानी भी हैं, बिल्कुल पुरसकून एरिया है। और बूबर जगह का नाम है उसका, ये दरिया है यार, वैसे बहुत मज़ा आ रहा है इस पुल पे, मज़ा आ रहा है। अभी भी हम खड़े हुए हैं, अभी भी हम खड़े हुए हैं और हमें ये फील हो रहा है कि दरिया नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, जैसे लिफ्ट चलती है। बहुत तेज स्पीड है यहाँ पे, जो फंडर का रिवर है ये चेक करें, और हमारे कुछ जवान आगे गए हुए हैं। इलाका सामने इसके, इसको मुस्को बोलते हैं, मुस्को हमारे जबान में ना। अच्छा, तो ये आज इस पुल से गाड़ी नहीं गुजरती है। अच्छा, ये बहुत खतरनाक पुल है, बस ये गरीब लोग बेचारे जो इस तरफ रहते हैं, हाँ जी, तो अपनी जान तिर खेल के ये लोगों का आना जाना होता है। बारह गवर्नमेंट को इस पुल पर तवज्जो देना चाहिए। ऐसा ही है जी, कारी साहब का कहना है जी के ये सामने कुछ आबादी है और उनका आना जाना होता है यहाँ से, बहरहाल बहुत रिस्की है ये पुल। ये देखें, यहाँ से पांव नीचे जाता है और गिरने का खतरा है, और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा झोलक सी है। ये देखें, अच्छा है यो यार, ये पानी कह रहे हैं मैदे के लिए अच्छा पानी है। इन पहाड़ों से है जी कनेक्शन। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये मैदे के लिए भी अच्छा है, इसके और भी लोग पत्नी अजीब अजीब बातें करते, लेकिन मुझे फर्क नहीं है, दूर के हिसाब से ले जाते हैं। असल में इधर रास्ते में तबीयत खराब हो गई थी, कोई स्टोमक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी लंबे सफर की वजह से, तो ये कॉलेज साहब ने रिकमेंड किया कि ये पानी आप पिए, बहुत बुरे दिन के लिए ये मैदे की बीमारियों को दूर। ये देखना, हाँ जी क्या तेरी वीडियो पहले बनाओ। आगे चलते हैं, बारिश शुरू हो गई है और आगे का माहौल देखते हैं। कारी साहब जी, आगे कितने दूर है? क्यों साहब मजा आ रहा है? दस मिनट का और सफर है और निकलते हैं यार। ये देखें जी, बंदा यहाँ पे, भाईजान 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 को ट्राउट पकड़ी हुई है, नहीं पकड़ी, कोई नहीं नहीं पकड़ सके अभी तक, मैंने बोला कुछ दरियाई क्राउड मिल जाए। क्यों साहब भाई? इंशाल्लाह मिल जाएगी जी, अभी हम जा रहे हैं। उम्मीद तो कैसर ने दिला दी है कि दरियाई ट्राउट मिलेगी। कैसा कल कहाँ से गए थे मेहमान? तरनौल से आए हैं जी कैसा के मेहमान। चलो जी इंशाल्लाह जी, हम जा रहे हैं अभी आगे, एक पिकनिक पॉइंट है कैसा बता रहे हैं,
इंशाल्लाह फिर उसके बाद ट्राउट के लिए जाएंगे। ट्राउट के लिए जगह कौन सी है घर साहब? बिरगल फिश फार्म ऊपर ऊपर है जगह का नाम ऊपर ऊपर वाटरफॉल चार वाटरफॉल इधर है। अच्छा फिर ये थ्री हाउस मैंने बनाया है। सही ये वाले हाँ ये चिनार के ऊपर है सर। अच्छा अच्छा माशाल्लाह दूध ऊपर ये भी है आप खा सकते हैं उधर जाकर। सही चेरी नहीं है? चेरी खत्म हो गया। उधर पत्थरों का आपको टेबल मिलेंगे। अच्छा ये सारा आपका हैंडमेड है? हैंडमेड है सर मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह ऑनर भी मैं खुद हूँ और ये ट्रेडिशनल फूड मिलता है खाने से। ये जो हुपर वैली है और हुपर वैली के हैंडमेड ये इन्होंने बेंच बनाए हैं, कुछ इन्होंने स्पॉट्स बनाए हैं, फ्री ट्री हाउसेस बनाए हैं इन्होंने। ये भाईजान है, इन्होंने ये सारा यहाँ पे एक ट्री हाउसेस बनाए हैं माशाल्लाह जी। थैंक यू सर। आप यही नौकर जाकर बैठ सर। ये जी ट्री हाउस है, अभी हम इस पे जाएंगे। ये जी ट्री हाउस है, ये नीचे इन्होंने एक एक फ्लोर नीचे बनाया हुआ है और एक ये टॉप पे है माशाल्लाह। और ऊपर ये देखें बैठने की जगह भी बनाई हुई है ने माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आ जाएं हाँ हाँ आ जाए। और नहीं नहीं बड़ा बेहतरीन है, आओ ना सारों को बुलाओ आओ नफिल है। आ जाएं ट्री हाउस ऊपर भाईजान। पैसे पूरे हो गए हैं यहाँ पे आके है ना, ये चेक कर ये माशाल्लाह दरिया शरिया बिछा के पूरा ट्री हाउस बनाया है जी। चेक करें जी कारी साहब। बस इधर आप सुकून देखो ना। ओए हो ये जी ट्री हाउस है, इधर आज माइंड फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया जी। इधर आगे जरा व्यू देखें इधर से आप। ठीक है नफील है आए जरा यार किधर बदल लगाए क्या माशाल्लाह इधर तो बड़ा फ्रेश फील कर रहे हैं। और यार कैंपिंग के लिए वो कह रहे हैं कि आए आप कैंप कैंप लगाएं यहां पे। फंड कैंसिल करो। अभी जाते हैं जी ऊपर वाटरफॉल पे। करो मैम कैडी मिली है, रुका कहाँ पे आके चेक कर किसने रुका होगी। मुबारक हो कारी साहब, मिल गया वाटरफॉल। वाटरफॉल मिल गया कारी साहब। और भी है ऊपर भी, और भी है ऊपर बड़े विशाल, आप जा सकते हो। हम वाटरफॉल तक पहुंच गए हैं, यह छोटी वाटरफॉल है, इसके ऊपर और भी है वाटरफॉल। जाने के लिए हमें यहाँ से हाइकिंग करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। और ये वाटरफॉल है
थैंक यू भाईजान, आप लोगों का बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह ये आपकी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होंगी, यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, ठीक है। आप आ गए मेरे लिए बहुत काफी यार, प्लीज भाई आना। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। ये जी जगह का नाम बता दें इनको, भोपाल टूरिस्ट गार्डन पाकिस्तान। हाँ जी, इधर ऊपर तकरीबन कितनी है वाटरफॉल? वाटरफॉल चार, चार वाटरफॉल है। एक आपको हमने बता दिया, इससे ऊपर जाएंगे इससे बड़ी वाटरफॉल आपको मिलेंगे। ऐसे ही जी, ये भाई इधर होंगे इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। इनकी हाथ से बनाई हुई सारी डेकोरेशन है यहाँ पे। ये सामने देखें, वो सामने जो ट्री हाउसेस बने हुए हैं वो है, और बेहतरीन प्लेस है यहाँ पे। आपको कैंपिंग कैंपिंग इंतजार करना, कैंपिंग की करने जाएंगे यहाँ पे लोगों ने यार आ जाए इंशाल्लाह, यहाँ पे आए कैंपिंग करें। देखो को क्या करें सर, पता नहीं चला क्या कुछ कहेंगे। नहीं मैं ऊपर गया हूँ, मैंने विजिट के आगे बंद थी, फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे, फिर हम आगे नहीं गए। वापस विजिट कराने तो आएंगे अंदर, बेस्ट पत्री तो करेंगे। अच्छा हाँ, चले ठीक है, चले इंशाल्लाह मैं फिट करता हूँ नंबर देते हैं आपको। अंडी सर मुझे व्हाट्सअप करें इंशाल्लाह, हम आया करेंगे आपके पास इंशाल्लाह। जाएंगे हम मछली पकड़ने, बिल्कुल फिश फार्म पे जाएंगे, रोड मछली। अभी हम जा रहे हैं जी फिश फार्म पे, और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह ट्राउट जाके पकड़नी है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह रात को करेंगे बारबेक्यू।